हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हुमा डायरी। सो आज का जो मेरा वीडियो है वो है वैलेंटाइन डे पे। सो आप सभी तैयारी में लगे होंगे वैलेंटाइन के लिए कि आपको अपने लव वन को क्या गिफ्ट करना है, किस तरह का कार्ड आपको परचेस करना है। सो उसी बेस पे मैंने एक छोटा सा वीडियो आप सब लोगों से शेयर कर रही हूँ जो कि मेरा DIY मैसेज जार है। सो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए और आपको मेरा ये वीडियो बहुत बहुत पसंद आएगा। और ये बहुत ही ईजी मैसेज जार है, आप अपने लव वन के लिए तैयार करें, इंशाल्लाह उनको बहुत पसंद आएगा। और खुद से प्रिपेयर की हुई चीज़ें आप अगर अपने किसी लव वंस को गिफ्ट करते हो तो उन्हें बहुत खुशी होती है। सो ये जो मैसेज जार है बहुत ही ईजी है, बहुत ही क्यूट है और बहुत ही कम चीज़ों से ये प्रिपेयर हो जाता है। आप अपने आपके घर पे जो भी जार अवेलेबल है आप उसे यूज़ कर सकते हैं या फिर आप मार्केट से भी परचेस कर सकते हैं जार। सो बहुत ईजी है और बहुत कम चीज़ों के साथ ये जार प्रिपेयर हो जाता है। सो गाइज प्लीज़ एंड तक वीडियो देखें, इंशाल्लाह आपको मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। एंड गाइज आई होप आपको मेरे लास्ट वीडियोस भी पसंद आए होंगे और आगे भी इंशाल्लाह मैं अच्छे वीडियोस आपसे शेयर करूंगी। सो गाइज प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज लाइक ऑन माय वीडियो एंड कमेंट ऑन माय वीडियो ताकि मुझे पता चले आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं या नहीं। और आप प्लीज गाइज आप कमेंट करें मुझसे, आप डिमांड करें कि आप किस तरह का वीडियो मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं। सो आपका जो मेरा वीडियो है वो DIY आर्ट एंड क्राफ्ट एट हुमा डायरी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो मैसेज जा रहा है उसके लिए जो मुझे यहाँ पे जो मैंने आइटम्स लिए हैं वो आपको मैं बताती हूँ क्या क्या इसमें आपको नीड होगा। बहुत कम गुड्स की ज़रूरत होगी इसमें। सबसे पहले एक जार ले लें, कोई भी मैसेज जार आप यूज़ कर लें। ये जो मैंने यूज़ किया है वो मेयोनीज का जार है। और नेक्स्ट ग्लिटर पेन, आप अपने फेवरेट्स कलर को चूज़ कर सकते हैं, कोई भी फेवरेट कलर आप पिक कर सकते हैं। और नेक्स्ट आप ग्लिटर ग्लू ले लें अगर आपको नीड होता है तो, अदरवाइज नीड नहीं भी है तो आप उसको नहीं भी यूज़ कर सकते। सो मैंने यहाँ पे कलरफुल आइसक्रीम स्टिक ली है, अगर आपके पास नहीं भी है तो आप प्लेन वाइट जो नॉर्मल नेचुरल होती है वो ले सकते हैं। और मैंने रिबन लिया है, कुछ स्टिकर्स हैं, आप स्टिकर्स अपने पसंद से आप परचेस कर सकते हैं। सीजर्स इसमें आपको यूज़ में आएगा। ग्लू एनी काइंड आपको जो कन्वीनियंट लगता है उस तरह का ग्लू आप यूज़ कर सकते हैं। और एक आपको पंचिंग मशीन की नीड होगी इसमें। आप किसी भी तरह का एक टैग यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो किसी भी चार्ट पेपर से कट करके आप इसको बना सकते हैं। एक रबर बैंड की नीड होगी जो कि आइसक्रीम स्टिक को हमें बैंड करने में यूज़ आएगा। और एक्चुअली मैंने यहाँ पे कुछ नोट्स प्रिंट किए हुए हैं जिसको मैं पेस्ट करूँगी ग्लू के थ्रू। और आप चाहे तो डायरेक्ट स्टिक पे भी लिख सकते हैं। और मैंने यहाँ पे कुछ स्टिकी नोट्स यूज़ किया है, तो आप चाहो तो अपने मैसेजेस अपने अकॉर्डिंगली आप उस पर लिख भी सकते हैं। बिकॉज माई राइटिंग इज़ नॉट गुड, दैट्स वाई आई एम यूजिंग दिस प्रिंट नोट्स। सो आप चाहे तो अपनी राइटिंग यूज़ कर सकते हैं। माई हैंड राइटिंग इज़ लाइक अ डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, सो दैट्स वाई आई एम यूजिंग दिस प्रिंट नोट्स। और मैंने इसे जो ग्लिटर पेन है उसे मैंने बॉर्डर किया है। आप अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज बॉर्डर या कोई भी डिज़ाइन आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने एक सिंपल सा बॉर्डर यहाँ पे यूज़ किया है। मेरा जो थीम है वो 31 वाई आई लव यू का है। सो आप इसको किसी भी कस्टमाइज अकॉर्डिंग अपना मैसेज आप अपने लव वन को पहुँचाना चाहते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना 100 मैसेज डाल सकते हैं। 365 वाई डेज वाई आई लव यू एंड मेनी टॉपिक यू इफ़ यू वॉन्ट लाइक इट कस्टमाइज एज पर योर चॉइस। सो इसको मैंने बहुत अच्छे से जो मेरी 31 स्टिक्स है उसको मैं अभी बैंड में इसे मैं ट्राई करूँगी।
सो मैंने यहाँ पे एक प्रिंट मैंने एक टैग प्रिंट निकाला है। आप चाहे तो किसी भी हैंडमेड चार्ट पेपर से आप इस पे यूज़ कर सकते हैं। मैं जो यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ 31 रीजंस व्हाई आई लव यू, सो आप अपने अकॉर्डिंगली अपने आप मैसेज इसमें बना सकते हैं। 100 रीजंस व्हाई आई लव यू, 365 डेज काइंड ऑफ, सो आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर ले। अब मैं इसे एक रिबन से टाई करूँगी। आप रिबन अपने अकॉर्डिंग का कलर, जो भी आपका फेवरेट कलर है या आपके लव वन का फेवरेट कलर है, वो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। मैंने जो यूज़ किया है वो बिल्कुल मैंने पेस्टल कलर से यूज़ किया है, बिकॉज है वो मैंने जार में डाला है। अभी नेक्स्ट मैं इसे टाई करूँगी जो मैंने रिबन प्रिपेयर किया था नोट्स के साथ। आप भी ट्राई करें, डेफिनेटली आपको भी पसंद आएगा। बहुत इजी है। आप इस मैसेज जार में फेवरेट चॉकलेट्स भी आप डाल सकते हैं, उसे फिल कर सकते हैं फेवरेट चॉकलेट्स के साथ। इसमें आप चाहे तो थर्मोकोल के बॉल्स भी फिल कर सकते हैं। सो मैं नेक्स्ट आगे की वीडियोस में इसको दिखाऊंगी। इसमें मैंने चॉकलेट्स और थर्मोकोल के बॉल्स से मैं इसे फिल करूँगी। सो ये जिस पर्पज़ के लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूँगी। सो आपको ज़रूर दिखेगा ये जार किस पर्पज़ के लिए मैंने प्रिपेयर किया है, और आगे भी काफ़ी वीडियोस मैं आपसे शेयर करूंगी आर्ट एंड क्राफ्ट्स के रीयूज़ आप कर सकते हैं। आपको भी पसंद आया होगा ये मेरा क्यूट सा मैसेज जार। आप इसे अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करें, डेफिनेटली आपके लोगों को पसंद आएगा इंशाल्लाह। और आप ऐसे ही मेरे सारे वीडियोस देखते रहें, शेयर करें मेरे वीडियोस और लाइक्स करें, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू कमेंट्स ऑन माय वीडियोस। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स अलॉट फॉर द सब्सक्राइबिंग एंड द कमेंट्स एंड द लाइक्स। थैंक यू सो मच।